जी बिल्कुल जय जी, मतदाताओं में खासा उत्साह है। और मैं आपको बता दूं, नक्सल प्रभावित इस पूरे इलाके में महिलाएं जो हैं और जो युवतियां हैं ये निकलकर सामने आ रही हैं, और इनके कारण वोटिंग का परसेंटेज हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। जो दो वजह है, नंबर एक धान की कटाई और नंबर दो जो नक्सलियों ने बहिष्कार की अपील की थी, इसका इम्पैक्ट जो है काफी हद तक दिख रहा है। दोपहर 1 बजे की अगर बात करें तो 20.21% मतदान जो है वो हुआ है। पिछले बार 2018 में इस मतदान का प्रतिशत जो है 65 से अधिक था, तो इस लिहाज से माना जा सकता है कि इस बार वोटिंग परसेंट अधिक से अधिक 40 तक जाएगा, जो काफी कम माना जा रहा है। इसका सीधा फायदा जो है वो जो दावा कर रहे हैं वो भाजपा के लोगों को मिलेगा। अगर इंटीरियर से ज्यादा वोट पड़ते तो निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उन्हें इसका फायदा मिलता। बहरहाल ये दावे प्रति दावों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि माओवादियों ने जिस स्तर पर जाकर वोटिंग का बहिष्कार किया था चुनाव में, लेकिन रजत ये अच्छी चीज नहीं है लोकतंत्र के लिए। अगर ऐसा हो रहा है कि माओवादियों ने बहिष्कार की चेतावनी जो दी थी, और अगर ऐसा हो रहा है कि ग्रामीण घरों से नहीं निकल रहे, क्योंकि इसके उलट हमने कुछ घोर नक्सल क्षेत्र देखे हैं जहां ग्रामीण वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और अगर बीजापुर में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। जी बिल्कुल, इसके लिए पर्याप्त प्रयास जरूरी थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन जो है इन दोनों का दावा था कि पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान काफी संख्या में मौजूद थे और वो जवान जो है भीतरी इलाकों में दिख भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ इलाकों में वोटर्स जो हैं ये पहुंचकर पीठासीन से इन लोगों ने जिस तरीके की अपील की थी उसे कंसिडर करते हुए उनके यहाँ उंगलियों पे स्याही नहीं लगाई गई। यदि इस तरीके की पहल प्रशासन की ओर से और की जाती तो निश्चित तौर पर वोटिंग का परसेंटेज जो है वो कुछ बड़ा हुआ दिखाई देता। बहरहाल अगर हाल फिलहाल की अगर रजत, ये बहुत चिंतनीय और सोचने विषय भी है, क्योंकि प्रशासन की ओर से ये जरूर बातें दिनेश कही गई थी कि हमने तमाम व्यवस्थाएं की गई है, तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन अगर मतदाता घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ऐसी स्थिति में तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल, और चलिए इसी बीच इलेक्शन टॉप 10 देख लेते हैं अब तक का क्या कुछ 10 वो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक 44.55% मतदान हुआ है और 2018 के मुकाबले ज्यादा मतदान तय माना जा रहा है। तो 10 सीटों पर मतदान के लिए महज 1 घंटा बाकी है। वहीं पखांजूर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी देखने को मिली। वहीं सुकमा में नक्सलियों का पोलिंग बूथ पर हमला हुआ, फायरिंग की गई। वहीं जगदलपुर में चांदामेटा गांव में पहली बार मतदान हो रहा है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में, बुरगुम में झमाझम बारिश हो रही है लेकिन मतदाता पहुंच रहे हैं। पखांजूर में आलदंड सीतरम ये मतदान केंद्र है, तो वहीं आपको बता दें जहां पर मतदान बहुत कम हुआ है। तो छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़े हुए टॉप 10 खबरें आपको बता रहे हैं। अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो ये बड़ी खबरें आप जान लीजिए कि अभी तक सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक क्या कुछ हुआ है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है सुन लीजिए। मतदान के जो प्रतिशत है